ये भी चीज़, सेकंड चीज़, और ये हमारी थर्ड चीज़, ये तीन चीज़ें तो हम चेंज करने वाले हैं अभी जो हमने खोली है। और सो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास है मारुति सुजुकी की अल्टो 800। इस गाड़ी की हम करने वाले सर्विसिंग, गाड़ी चल चुकी है 1 लाख किलोमीटर। आप लोगों ने पहली वीडियो मेरी देखी होगी अल्टो 800 की, बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, बहुत सारा सपोर्ट किया है, तो ये वीडियो उसी के बिहाफ पे होने वाली है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, रेगुलर सर्विसिंग हो रही है, तो क्या कुछ चेंजेस इसमें करने वाले हैं। ये अपग्रेड मॉडल है, जो आपने पहले वीडियो मेरी देखी होगी वो डाउन मॉडल अल्टो 800 थी, ये ऊँचा मॉडल है। तो कंपनी फिटेड CNG है, तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या कुछ हम इसमें चेंज करने वाले हैं। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एयर फिल्टर खोलने वाले हैं, और एयर फिल्टर की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है एयर फिल्टर की। ये देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी डस्टी हो रखा है। ये तो मेनली फिल्टर्स तो लगभग सर्विसिंग पे चेंज हो जाने चाहिए। तो अब तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और मेरा इंस्टा पेज है om.motors, उसको भी जाके आप फॉलो कर लो। काफ़ी कंटेंट मैं वहाँ पे डालता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो मेरी वीडियो। तो सेकेंडली हम इसका खोलने वाले स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग से पहले आप देख सकते हो, तो CNG की फिटिंग होती है, इसके ऊपर जो कनेक्टर्स रहते हैं वो हम हटाएंगे, उसके बाद जो इग्निशन कोइल होती है वो हम हटाने वाले हैं, उसके बाद स्पार्क प्लग की कंडीशन आपको दिखाने वाले हैं कि कैसी कंडीशन उसकी स्पार्क प्लग की होती है। हालांकि ये रेगुलर सर्विसिंग हो रही है गाड़ी, तो मेनली हो सकता है लास्ट सर्विस पे इसका स्पार्क प्लग चेंज हुआ हो, तो कंडीशन मैं आपको खुलने के बाद चेकआउट कराता हूँ क्या कंडीशन है। तो मैं आपको इग्निशन कोइल इसकी दिखा देता हूँ। ये हमारे चाय वाले अंकल जी, आप इनसे मिल सकते हैं, और ये है इग्निशन कोइल, कुछ इस तरीके की एक इग्निशन कोइल इसकी फॉल्ट है, वो हम चेंज करेंगे। बाकी इसके स्पार्क प्लग खुलने वाले हैं, वो कंडीशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले थ्रोटल बॉडी की कंडीशन देख लेते हैं कैसी है। काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें थ्रोटल स्प्रे हम ज़रूर यूज़ करेंगे। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके के इसके स्पार्क प्लग है, और रस्टिंग पकड़े हुए हैं और गर्म तो काफ़ी है। बाकी मैं समझूंगा, क्योंकि गाड़ी CNG में है तो इसको चेंज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गाड़ी में हल्की मिसिंग की भी कंप्लेंट है। वो एक्चुअली इसका इग्निशन कोइल भी एक चेंज होने वाली है, और स्पार्क प्लग भी हम इसके चेंज करने वाले हैं, तो गाड़ी बिंदास हो जाएगी, मिसिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और गाड़ी को चलाने में मज़ा आ जाएगा कस्टमर को। और बाकी कंडीशन एयर फिल्टर की मैंने आपको चेकआउट कराई है, ये भी चेंज होने वाला है। सो मैं आपको केबिन फिल्टर और दिखाने वाला हूँ। लोकेशन भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की, यहाँ लोकेशन होती है, ये देख सकते हो यहाँ होता है इसका केबिन फिल्टर, ये देखो, ये हो काफ़ी डस्टी हो रखा है, मेरे हिसाब से चेंज नहीं हुआ है बीच में, ना ही ये साफ़ हुआ है बीच में, तो इसको हम चेंज करेंगे, ये भी चीज़, सेकंड चीज़, और ये हमारी थर्ड चीज़, ये तीन चीज़ें तो हम चेंज करने वाले हैं अभी जो हमने खोली है। और बाकी इसका ऑयल और ऑयल फिल्टर की कंडीशन हम दिखाने वाले हैं, गेयर ऑयल हम आपको चेकआउट कराने वाले हैं क्या कंडीशन है गेयर ऑयल की। कूलेंट की कैप खोल दिए, कूलेंट भी इसका डाउन है, काफ़ी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन कूलेंट की क्वांटिटी कम है, तो इसमें भी हम कूलेंट डालने वाले हैं। और गाड़ी उठाने वाले हैं हम लिफ्ट पे, क्योंकि नीचे तेल फिल्टर खोलने वाले हैं। सो अभी तक मैंने आपको दिखा दिया है एयर फिल्टर, केबिन फिल्टर, स्पार्क प्लग एंड द कूलेंट विल बी चेंज, ये चीज़ें चेंज होगी मैंने जो आपको दिखाई है क्या कंडीशन है। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और थ्रोटल बॉडी भी हम स्प्रे करेंगे, इसको भी हम वैसे ज़्यादा डस्टी नहीं है लेकिन इसमें थ्रोटल बॉडी में स्प्रे हम यूज़ करने वाले हैं। और गाड़ी लगा रहे हैं हम लिफ्ट पे, और गाड़ी को उठाने वाले, नीचे की कंडीशन मैं आपको चेकआउट कराऊँगा, सस्पेंशन भी हम इसके देखने वाले हैं, और बेल्ट की कंडीशन क्या है ये भी हम चेकआउट करेंगे क्या कंडीशन है बेल्ट की।
कुछ इस तरीके से गाड़ी हमारी लिफ्ट पे उठ चुकी है और कुछ इस तरीके से आल्टो जो है नीचे से दिखाई देती है। ये इसका ऑयल चैम्बर है, ऑयल पैन भी आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं ये चोट लगी हुई है, बाकी इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। और ये इसका ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर भी किसी ने बड़ा लगाया हुआ है, इसमें छोटा ऑयल फिल्टर यूज़ होना चाहिए। तो बेल्ट की कंडीशन मैं आपको दिखाने वाला था, बेल्ट तो कहीं कट तो नहीं है, बेल्ट बिल्कुल इसकी ओके है, कहीं से भी कटी नहीं है एसी वाली बेल्ट तो, और अल्टरनेटर वाली बेल्ट भी ठीक है। अल्टरनेटर बेल्ट डाउन लग रही है मेरे को, आप देख सकते हो वो उधर से मेरे को कहीं ना कहीं उसमें कट दिखाई दे रहा है। ये देखो मैंने थोड़ी जूम करी है वीडियो और आप देख सकते हो बेल्ट में कहीं ना कहीं आपको हल्के हल्के डॉट डॉट कट से दिखाई दे रहे होंगे। तो अल्टरनेटर बेल्ट है, ये भी हम इसकी चेंज करने वाले हैं। और बाकी इसकी कैलिपर ग्रीसिंग होगी, दोनों में कैलिपर में प्ले है, दोनों साइड ग्रीसिंग करेंगे। बाकी चीज़ें आराम इसके बिल्कुल ठीक है। गियर ऑयल की कंडीशन भी हम चेकआउट करेंगे, क्या कंडीशन है गियर ऑयल की। और रियर सॉकर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके के सॉकर है पीछे की साइड, शॉक एब्जॉर्बर रियर सॉकर, ये भी बिल्कुल ओके हैं, इनमें भी हम चेंजमेंट नहीं करेंगे कुछ भी, इनको एज इट इज़ रखेंगे। और बाकी पिछले बूस वगैरह कोई वैसे नॉइस नहीं है गाड़ी में अननेसेसरी, आप देख सकते हो मैकेनिक ने ट्रे ले लिया है और ऑयल पैन का नट जो है खोल दिया। कुछ इस तरीके से हम ऑयल ड्रेन कर लेंगे। सो अगर आप भी कुछ इस तरीके का अपनी गाड़ी में काम चाहते हो तो हमारे वर्कशॉप पे आप विज़िट कर सकते हो, होम मोटर्स मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप धारवाड़ा में, आप कहीं पे भी विज़िट कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और इसका खोलने वाले हैं ऑयल फिल्टर, और किसी ने पहले कहीं बाहर सर्विस हुई है तो बड़ा फिल्टर लगा रखा है, हम इसमें छोटा फिल्टर लगाने वाले, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी नीची है तो ये भिड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ऑयल पैन में लगी हुई है पहले, तो यहाँ अगर भिड़ गया तो गाड़ी सीज होने के चांस है, ऑयल बिल्कुल ड्रेन हो जाता है। तो इस कंडीशन में ऑयल कंपनी इसमें ऑयल फिल्टर छोटा रिकमेंड करती है। कुछ इस तरीके से इसका ऑयल फिल्टर भी हम खोल लेंगे। सो जो पीछे की साइड आप देख सकते हो यहाँ गियर ऑयल का नट होता है, तो वहाँ से हम हल्का सा लूज करके और गियर ऑयल निकाल के थोड़ा सा चेकआउट करेंगे। यहाँ से लेवल का भी पता लग जाता है एग्जैक्टली, और क्वालिटी वाइज भी पता लग जाता है गियर ऑयल की क्वालिटी कैसी है। गियर ऑयल तो लगभग ऐसा लग रहा है कि बीच में चेंज हुआ हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो ज़्यादा ब्लैक इस कंडीशन नहीं है ऑयल की, बिल्कुल लाजवाब कंडीशन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे अननेसेसरी। एक नट इसका गियर ऑयल का यहाँ होता है जहाँ से ड्रेन किया जाता है, ऊपर वाला जहाँ से रिफिल किया जाता है, और वहाँ से चेक भी कर सकते हैं जैसे हमने आपको चेकआउट करके बताया। तो गाइस अब इसका ना कूलेंट हम ड्रेन कर रहे हैं, मैंने कूलेंट की कंडीशन आपको चेकआउट कराई थी, तो कूलेंट भी हम इसका ड्रेन करेंगे। और कुछ इस तरीके से ना पाइप होस पाइप निकालनी पड़ती है, और देख सकते हो कूलेंट इसका, कूलेंट कम पानी ज़्यादा है इसमें, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे कूलेंट के साथ। सो गाइस एसी फिल्टर इसका आ चुका है, ये देख सकते हो MGP जेन्युइन है, और कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है इसकी नए की, और वो पैकिंग है इसकी नीचे, एसी फिल्टर ओल्ड वन है, तो हम इंस्टॉल करेंगे इसको नए को। लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी वहीं पे ही हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। सो गाइस ये आ चुके इसके नए स्पार्क प्लग, NGK के जेन्युइन स्पार्क प्लग है, यही हम मैक्सिमम गाड़ियों में हम NGK ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इन प्लग्स में कोई कंप्लेंट नहीं होती, तो ये हम नए प्लग इसके इंस्टॉल करने वाले हैं। और जो प्लग्स के गैप है ये ऑलरेडी कंपनी से मैच होके आते हैं, तो प्लग गैप्स के हम साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम एज इट इज़ हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। चलो भाई, तो पहले हम प्लग्स इसके टाइट कर देते हैं,
जैसा कि मैं हर वीडियो में बताते हैं, प्लग्स को ना बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, तो अंदाजे से हम इसको टाइट करते हैं क्योंकि तो मैं आपको कूलेंट दिखा देता हूँ। कूलेंट हम यूज़ करने वाले हैं गुडियर का, 1:4 के में आता है ये कूलेंट। गाइस अपना ऑयल फिल्टर भी आ चुका है, 99 रुपीज़ का, MGP का है ये। छोटा ऑयल फिल्टर है जो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। और तब तक इग्निशन कोयल इसकी लगा दी, प्लग्स इंस्टॉल हो चुके हैं तो इग्निशन कोयल इसमें लगा रहे हैं। सो ये आप इसका कूलेंट जा रहा है इसमें रेडिएटर में। गाइस मैं आपको दिखा दूँ इसका जो ऑयल फिल्टर है, ये देखो कुछ इस तरीके से इसका छोटा ऑयल फिल्टर हमने लगा दिया है। अभी नीचे लगने के चांसेस में कम है, तो काफ़ी सेफ्टी का काम है इसमें, सेफ्टी का काम हो चुका है। अभी इसके कैलिपर ग्रीस करने वाले। सो गाइस मेनली मैं आपको बता दूँ इसमें इंजन ऑयल जाने वाला है, और इंजन ऑयल जो यूज़ होने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंजन ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, सेल हेलिक्स HX5 नॉर्मल इंजन ऑयल है, MGU मारुति जेन्युइन ऑयल है, काफ़ी अच्छा ऑयल है और गाड़ी 10,000 किलोमीटर आराम से चल जाती है इस इंजन ऑयल के साथ में। नॉर्मल इंजन ऑयल है, इसमें गाड़ी में ज़्यादातर सिंथेटिक की ज़रूरत कम पड़ती है छोटी गाड़ियों में, तो इसमें नॉर्मल हम इंजन ऑयल रिकमेंड करते हैं किसी भी कस्टमर को बजट के हिसाब से। सो गाइस इसका हम थ्रोटल बॉडी स्प्रे यूज़ करने वाले हैं ताकि जो इसमें हल्की फुल्की भी रस्टिंग है या फिर डस्ट वगैरह है वो साफ़ हो जाए और गाड़ी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। काफ़ी क्लीन हो चुकी है टोटल बॉडी इसकी, और ये एक इसमें क्योंकि इलेक्ट्रिकल टोटल बॉडी है तो इस तरीके से हम स्प्रे इसमें यूज कर सकते हैं। अभी हमने इसका एयर फिल्टर नहीं लगाया लेकिन वो भी हम लगाएंगे। सो ये है हमारा एयर फिल्टर जेन्युइन महले का, एयर फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें। ये स्क्रीन वॉश हमने यूज किया है इस बोतल के लिए, वाइपर के लिए, और ब्रेक ऑयल इसका लगभग पूरा है तो ब्रेक भी हम चेक करेंगे क्या कंडीशन है। बाकी इसकी अभी बेल्ट उतारते हैं भाई, अल्टरनेटर वाली बेल्ट उतारना, बेल्ट उतार के कंडीशन चेकआउट कराते हैं आपको क्या कंडीशन है बेल्ट की। सो गाइस ये इसकी पुरानी बेल्ट देख सकते हो, जगह जगह से कट रखी है, तो ये चांस होता है कि रास्ते में गाड़ी रुक ना जाए, तो इस वजह से हम इसको चेंज करने वाले, नई बेल्ट से रिप्लेस करेंगे, ये वाली बेल्ट है इसकी नई। सो गाइस मैं आपको बता दूँ इस जो इसके ब्रेक है ना, ब्रेक भी बिल्कुल ओके है, पिछले ब्रेक की एडजस्टिंग की हमने, अगले ब्रेक ओके है, और इस साइड की दोनों साइड की कैलिपर ग्रीस होती है, ये होती है साइड में कैलिपर जिसके अंदर ग्रीसिंग यूज़ की जाती है। सो बोथ साइड वी हैव डन ऑल दिस प्रोसेसेस एंड मैंने आपको बेल्ट की कंडीशन दिखाई थी ना, तो बेल्ट हमने लगा दी है, और लगाने के बाद जो कवर है ये भी पैक कर दिया है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से नई बेल्ट है, अलग दिख रही है, ये AC की बेल्ट है, ये अल्टरनेटर बेल्ट है। बाकी जो काम है हमारा हो चुका है इसका सर्विसिंग का, एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेंगे और गाड़ी की कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए अपने इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लो, अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ऑटोटेक कार वर्ल्ड को, क्योंकि काफ़ी टाइम लेके मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता हूँ। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ अपने इस छोटे भाई के चैनल को।